नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं महादेवी वर्मा का रेखा चित्र गौरा। अब तक हमने पढ़ा गौरा लेखिका महादेवी वर्मा की बहन श्यामा के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई एक बछिया है जो बहुत सुंदर है। लेखिका की बहन के द्वारा जब लेखिका को गाय पालने के संदर्भ में उसकी उपयोगिता से संबंधित बात कही जाती है तब लेखिका उस गाय को देखती है बहन के घर, तो गाय जो है उसे बहुत अधिक पसंद आती है, बहुत सुंदर है वह। उसका रेखा चित्र बिल्कुल हमने देखा था, गौरा की पुष्ट लचीले पैर, भरे पुठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ और उसकी गौर वर्ण में एक विशेष प्रकार की चमक, आँखों में आत्मीयतापूर्ण विश्वास, ये सब कुछ देख करके लेखिका गाय को अपने घर ले आती है और घर लाने पर किस प्रकार गौरा का स्वागत सत्कार किया जाता है। परिचितों और परिचारकों में उसके प्रति श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर और रोली का बड़ा टीका लगाया गया, घी का चौमुखी दीपक जला करके उसकी आरती उतारी गई, उसे दही पेड़ा खिलाया गया और इस प्रकार अब पढ़ते हैं हम उससे आगे, यानी कि गौरा के बाहरी सौंदर्य, उसकी आँखों के आत्मीयतापूर्ण भाव आदि को हमने अब तक के वीडियो में पढ़ा। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है ये कहा, क्यों कहा ऐसा गांधी जी ने, करुणा की कविता का अर्थ क्या है, करुण रस की साक्षात मूर्ति। तो गाय का सरल स्वभाव, वात्सल्य, आँखों में तैरता विश्वास का भाव सहज ही उसके प्रति करुणा जगा देता है। और वैसे भी कविता जो है वो कवि के हृदयगत भावों को व्यक्त करती है, उसी प्रकार गाय की आँखों से उसके हृदय की भावनाएं प्रकट होती है, तो इसलिए गांधी जी ने गाय को करुणा की कविता कहा है। आइए पढ़ते हैं अब हम आगे। अब गौरा की चाल की बात देखें, गौरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तु, बहुत धीमी चाल है गौरा की, तीव्र गति में सौंदर्य है, तेज चाल का अपना एक सौंदर्य है, सुंदरता है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। मंथर यानी धीमी चाल, बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है। देखो, तेज गति और धीमी गति की तुलना की जा रही है कि तेज गति की अपनी सुंदरता है किंतु मंथर गति की सुंदरता को वह छू नहीं सकती, यानी कि मंथर गति की जो अपनी सुंदरता है वह तेज गति से अधिक है, तेज गति की सुंदरता से अधिक है, कहने का आशय। उदाहरण भी दिया लेखिका ने, बाण जो है कमान से छूटते ही बाण अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है तेज गति से, बहुत अधिक तेज गति से, तो वो क्षण भर के लिए देखने वाले की आंखों में एक चमक उत्पन्न करता है, लेकिन परंतु मंद समीर से फूल का अपने व्रंत पर हौले हौले हिलना दृष्टि का उत्सव है। देखिए, दो उदाहरण दिए हैं तेज गति और मंथर गति के, बहुत सुंदर उदाहरण हैं दोनों ही हमारे सामने, कि तेज गति के सौंदर्य का उदाहरण लेखिका ने बाण का अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना तेज गति से देखने वाले की आंखों में एक क्षणिक चमक उत्पन्न कर देता है, वो भी एक अपना सौंदर्य है, लेकिन वो क्षणिक सौंदर्य है। लेकिन देखें, हम जब हवा चलती है समीर यानी कि मंद गति से चलने वाली हवा, समीर से मंद समीर से फूल का अपने व्रंत व्रंत यानी डाली टहनी पर हौले हौले हिलना, जब बहुत धीमी हवा चलती है उस धीमी हवा के चलने से डाली पर खिला हुआ फूल बहुत धीरे धीरे हिलता है, तो ये भी देखने वाले की आंखों के लिए एक उत्सव है, यानी कि दृष्टि का उत्सव, यानी कि सौंदर्य है, आनंद है, हमारे लिए आनंद की वस्तु है। आपने देखा होगा फूल को डाली पर हौले हौले हिलते हुए, बिल्कुल आपके लिए आनंद का विषय भी बना होगा वह। तो यही बात लेखिका कहने का प्रयास करती है कि तेज गति का अपना सौंदर्य है किंतु वह मंद गति के सौंदर्य को नहीं पा सकता। कुछ ही यानी कि गौरा की जो चाल है वो बहुत अधिक धीमी गति की है, मंथर गति की है। कुछ ही दिनों में यह सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और इसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे, पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान और आंखें खुजलाने लगे, वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी।
देखो लेखिका के घर में पालतू सारे जानवर पशु पक्षी गौरा के साथ कैसे हिलमिल गए थे। सब गौरा सबसे बड़ी थी, विशाल आकार था शरीर का। बाकी सारे जो पशु पक्षी लेखिका ने पाल रखे थे वो क्या थे, वो छोटे थे। और गौरा का शरीर विशाल था उनके समक्ष, लेकिन वो सारे छोटे मोटे पशु पक्षी जो थे वो अपनी लघुता, यानी कि वो कितने छोटे हैं गौरा के समक्ष और वो कितने विशाल हैं, ये अंतर भूल गए थे। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान और आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आँखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। हम सबको वह आवाज़ से नहीं पैर की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था, समय का ज्ञान हो गया था उसे कि कौन कितने बजे कब क्या किस टाइम क्या प्रतिक्रिया घर में होती है, वो सब कुछ वो जान गई थी। सब इन सब बातों का ज्ञान उसे हो गया था। मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। गाड़ी जैसे ही गाड़ी गेट के अंदर प्रवेश करती और वो रंभा रंभा करके और वो लेखिका को पुकारने लग जाती। चाय नाश्ता और भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। यानी कि वो हर काम के समय से इतनी अधिक परिचित हो गई थी कि वो जब उसके खाने का समय होता और थोड़ा सा भी यदि विलंब हो जाता तो वो रंभा रंभा करके यानी कि अपनी आवाज़ में चिल्ला चिल्ला करके घर सिर पर उठा लेती थी। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। साहचर्य जनित का आशय क्या होता है, साथ रहने से उत्पन्न। साहचर्य यानी साथ रहना, जनित यानी कि उससे उत्पन्न। तो साथ रहने से उत्पन्न जो लगाव होता है वही मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। देखो मनुष्यों में ऐसा होता है कि यदि हम किसी के साथ रहते हैं तो हमें उसके साथ लगाव और अपनापन हो जाता है और फिर हम उससे निकटता चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ ही रहे, कभी हमसे दूर ना जाए। तो उसी प्रकार जो गौरा है वो भी साथ रहने से जो लगाव उत्पन्न हो गया, जो आत्मीयता उत्पन्न हो गई, वो भी चाहती थी कि लेखिका उसके आसपास रहे, उससे दूर ना जाए। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती। उसके पास यदि लेखिका जाती तो वो गर्दन को सहलाने के लिए उसके पास आगे बढ़ा देती। हाथ फेरने पर वह अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, रंभाना, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। यानी कि उसको किसी चीज़ की आवश्यकता होती, ज़रूरत होती, तब तो उसके पास एक ही आवाज़ थी अपनी आवश्यकता को पूर्ण करवाने के लिए, वो रंभाना शुरू कर देती। लेकिन उसकी हृदय की भावनाएं उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता ये सब कहाँ दिखाई देती, उसकी आँखों में, उसकी बड़ी और काली आँखों में उसकी हृदय के भाव दिखाई देते। देखो इसीलिए तो गांधी जी ने गाय को करुणा की कविता कहा है, क्योंकि गाय का सरल स्वभाव, वात्सल्य, आंखों में तैरता विश्वास का भाव, ये सब चीज़ें उसके प्रति स्वाभाविक रूप से करुणा उत्पन्न करती है। इसीलिए गांधी जी ने गाय को करुणा की कविता कहा है। अब देखो एक वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। पुष्ट यानी कि हष्ट पुष्ट, स्वस्थ सुंदर, वत्स यानी कि बछड़ा पुत्र की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गैरू के पुतले जैसा जान पड़ता था। उसका रंग कैसा था, लाल रंग का, तो कैसा दिखाई देता था, वो गैरू के पुतले के जैसे। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे मानो गैरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया हो। देखो जो बछड़ा था गाय का, गौरा का, वो कैसा था, उसका पूरा शरीर गैरू के रंग का था, उसके माथे पर श्वेत तिलक था और चारों पैरों में खुरों के ऊपर, खुर के ऊपर यानी कि पैरों के आगे सफ़ेद वलय थे यानी सफ़ेद सफ़ेद घेरे थे, वो ऐसे लगते थे मानो वो बछड़ा तो है गैरू की मूर्ति
गेरू की बनी वक्त मूर्ति या बछड़े की मूर्ति और उसको चांदी के आभूषणों से मानो सजा दिया गया हो, अलंकृत कर दिया गया हो, यानी कि सज्जित कर दिया हो, सजा दिया हो उसे। और बछड़े का नाम क्या रखा गया? लालमणि। परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे, सब लोग उसे प्यार से क्या कहते? लालू। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। जब गौरा और लालमणि दोनों पास रहते तो कैसा लगता था? मानो एक तो बर्फ है, बर्फ का खंड है, और दूसरा जलता हुआ अंगारा हो। मानो अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ, अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। देखो यहाँ प्रश्न बनता है, कथन में वर्णित दुग्ध महोत्सव के अवसर का चित्रण कीजिए। लेखिका ने जो कहा है कि अब हमारे घर में दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ, तो कथन में जो दुग्ध महोत्सव आया है उसके अवसर का आप चित्रण करें। तो देखो क्या होगा, गौरा प्रातः साय 12 शेर के लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई शेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास की बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव, महादेव कौन है? उनका नौकर है। महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किन के आगे? सारे पशु पक्षियों के आगे। यानी कि दुख दोहन के समय इस प्रकार महोत्सव का सा अवसर उत्पन्न हो जाता था, मानो महोत्सव हो कोई। कैसे? क्योंकि कुत्ते बिल्ली सब गौरा के दूध दुहने के समय आकर के और पंक्तिबद्ध होकर के बैठ जाते थे। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। देखो यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते, कथन किस संदर्भ में आया है? तो किस संदर्भ में आया है ये कथन? गौरा रेखाचित्र से है, बिल्कुल गौरा के दूध देने के दूध दुहने के समय का समय के विषय में बताया गया है कि जब गौरा के दूध दुहने का समय होता तब सारे पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली आदि सब आकर के पंक्तिबद्ध होकर के बैठ जाते थे गौरा के सामने और परम शिष्टता का परिचय देते हुए मानो किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित किए गए अतिथि हो। उसी प्रकार वे परम धैर्य और शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते स्वयं को दूध मिलने की। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, सबके बर्तनों में दूध डाला जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। तो इस प्रकार से गौरा सबके साथ घुल मिल गई थी, सारे जानवरों के साथ, पशु पक्षियों के साथ। तो जिस दिन वो नहीं आते, यानी कि गौरा के दूध निकालने का समय होता, तो वे स्वयं ही आ जाते और दूध मिलने के बाद अपने अपने स्वर में मानो सभी कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हो गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते, मानो उन्हें धन्यवाद बोल रहे हो गौरा को। जब और जब ये सब चले जाते तो गौरा बहुत प्रसन्न होकर के उन्हें देखती रहती, यानी कि कितना सुंदर संबंध, आत्मीयतापूर्ण संबंध बन गया था सभी जानवरों के साथ, पशु पक्षियों के साथ गौरा का। और यदि किसी दिन वे नहीं आते या उन्हें आने में विलंब हो जाता तो गौरा स्वयं उन्हें पुकारने लग जाती अपनी वाणी से। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई समाधान चाहती थी। दुग्ध दोहन की समस्या यानी दूध निकालने की समस्या थी कि कौन दूध निकाले, और इस समस्या का जल्दी ही कोई समाधान भी चाहिए था। नौकरों में नागरिक तो दूहना जानते ही नहीं थे, नागरिक यानी कि जो नगर के थे, जो शहर के नौकर थे, उन्हें तो दूध निकालना आता ही नहीं था। और जो गाँव से आए थे वे अनभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। जो गाँव से आए हुए नौकर थे उनको भी अभ्यास नहीं था, अभी काफ़ी समय हो गया उनको भी ऐसा काम किए हुए, तो वे भी बहुत समय लगा
लगा देते थे। गौरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। देखें, इससे आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। आज का हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं आज की वीडियो से जो प्रश्न बनते हैं उनकी। तो अभी एक प्रश्न तो मैंने बिल्कुल आपको बताया था। अब हमारे घर में दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हुआ, पाठ्यपुस्तक में आया हुआ प्रश्न है, बिल्कुल आपको करना है। दुग्ध महोत्सव कैसे आरंभ हुआ? अभी हमने पढ़ा है कि गौरा दिन भर में लगभग 12 शेर दूध देती थी। लालमणि के लिए कई शेर दूध छोड़ने के बाद भी शेष दूध बच जाता था, जिसे कुत्ते बिल्ली आदि सभी पीते थे। और दूध दुहने के समय भी आकर के गौरा के इर्द गिर्द बैठ करके और बड़े सब्र और शिष्टता का परिचय देते, और दूध मिलने के बाद अपनी अपनी वाणी में मानो धन्यवाद ज्ञापित करते हुए गौरा के इधर उधर उछल कूद करते हुए चले जाते। तो इस प्रकार मानव घर में दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हो गया था। फिर देखें हम प्रश्न, गौरा महादेवी के बंगले पर आकर परिवार से कैसे हिल मिल गई थी। महादेवी के बंगले पर आकर गौरा अन्य जानवरों के साथ किस प्रकार हिल मिल गई थी, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, गौरा कुछ दिनों में सबसे हिल मिल गई। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलते, पालतू पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान और आंखें खुजलाते, पर वह शांत रहती। वह आंखें मूंदकर उनके संपर्क सुख का आनंद लेती थी। अब देखें और प्रश्न बनता है, गौरा का महादेवी जी के प्रति लगाव उसकी किन चेष्टाओं से व्यक्त होता है। तो देखें, साथ रहने के कारण गौरा को मनुष्यों की तरह लेखिका से गहरा लगाव हो गया था और वह उससे स्नेह की अपेक्षा रखती थी। वह लेखिका के पास आने पर सहलाने के लिए अपनी गर्दन आगे कर देती थी, दूर जाने पर गर्दन घुमा घुमा कर उन्हें देखती थी। उसके नेत्रों में अनेक मानवीय भावों की झलक दिखाई देती थी। फिर देखें, बात आती है लालमणि की। लालमणि के रूप रंग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, या गौरा के बछड़े का क्या नाम रखा गया, उसका रेखा चित्र भी लिखिए। तो देखें, गौरा के बछड़े का नाम लालमणि रखा गया। गौरा के बछड़े लालमणि का रंग लाल था। लाल रंग के कारण वह गैरू के पुतले जैसा प्रतीत होता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक था। खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे मानो गैरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो, और माँ बेटे पास में खड़े रहने पर एक हिमराशि और दूसरा अंगारे की तरह प्रतीत होते थे। अब देखो अंतिम प्रश्न यहाँ से, दुग्ध दोहन की क्या समस्या थी और उसका समाधान कैसे हुआ, और आखिर में इसका क्या परिणाम हुआ। देखो, आखिर में परिणाम की बात तो हम कल करते हैं, तो ये प्रश्न तो आप रखें अगले वीडियो के लिए, लेकिन बात कर लेते हैं हम दुग्ध दोहन की क्या समस्या थी, उसका समाधान कैसे हुआ, और आखिरकार इसका परिणाम क्या हुआ। तो देखो, लेखिका के नौकर दूध निकालना जानते नहीं थे, जो गाँव के थे उन्हें अभ्यास नहीं था, इसीलिए उन्होंने भी दूध दुहने से मना कर दिया। और जो हाँ, अब ये समस्या आई कि दूध कौन निकाले, इसलिए दूध देने वाले ग्वाले को रखा गया। जब उसने स्वयं कहा कि वह उस गाय का दूध निकाल दिया करेगा, तो उनकी गाय की दूध दोहन की समस्या का समाधान मिला। और उसने क्या किया है, देखिए मैं आपको आगे अगले वीडियो में बताऊंगी कि आखिर इसका परिणाम क्या हुआ। तो इसलिए ये प्रश्न रखें आप अगले वीडियो के लिए। तो तब तक आप इतने प्रश्न जो आपको बताए गए हैं वे कर लें। धन्यवाद।